आहोई अष्टमी का व्रत कैसे करें और इसकी क्या कथा है, आइए जानते हैं। एक साहूकार के 7 बेटे थे और एक बेटी थी। साहूकार ने अपने 7 बेटों और एक बेटी की शादी कर दी थी। अब उसके घर में 7 बेटों के साथ 7 बहुएं भी थीं। साहूकार की बेटी दिवाली पर अपने ससुराल से मायके आई थी। दिवाली पर घर को लीपना था, इसलिए सारी बहुएं जंगल से मिट्टी लेने गईं। यह देखकर ससुराल से मायके आई साहूकार की बेटी भी उनके साथ चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहां मिट्टी काट रही थी, उस स्थान पर स्याहू अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी को खुरपी के चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर स्याहू ने कहा कि मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक कर विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा लें। सबसे छोटी भाभी नंद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते हैं वे 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु हो जाने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और छोटी बहू से पूछती है कि तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है और वह उससे क्या चाहती है। तो जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मुझसे मांग ले। साहूकार की बहू ने कहा कि स्याहू माता ने मेरी कोख बांध दी है जिससे मेरे बच्चे नहीं बचते हैं। यदि आप मेरी कोख खुलवा दे तो आपका उपकार मानूंगी। गाय माता ने उसकी बात मान ली और उसे साथ लेकर 7 समुद्र पार स्याहू माता के पास चली गई। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। वहां छोटी बहू स्याहू की भी सेवा करती है। स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है और कहती है कि घर जाने पर तू अहोई माता का उद्यापन करना, 7-7 अहोई बनाकर 7 कड़ाही देना। उसने घर लौट कर देखा तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बेटी हुई मिली। वह खुशी के मारे भाव विभोर हो गई। उसने 7 अहोई बनाकर 7 कड़ाही देकर उद्यापन किया। अहोई का अर्थ यह भी होता है कि अनहोनी की होनी बनाना। जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया था, जिस तरह अहोई माता ने उस साहूकार बहू की कोख को खोल दिया, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाली सभी नारियों की अभिलाषा पूर्ण करें। अहोई अष्टमी की पूजा का यही विधान है और इस पूजा को करने से संतान
दीर्घायु होते हैं। आइए अब मैं आपको इस कथा की बात, इस व्रत की विधि बताती हूँ। व्रत के दिन प्रातः उठकर स्नान करें और पूजा पाठ करके संकल्प करें कि संतान की लंबी आयु एवं सुखमय जीवन हेतु मैं अहोई माता का व्रत कर रही हूँ। अहोई माता मेरे पुत्रों को दीर्घायु, स्वस्थ एवं सुखी रखे। अनहोनी को होनी बनाने वाली माता देवी पार्वती हैं, इसलिए माता पार्वती की पूजा करें। अहोई माता की पूजा के लिए गेरू से दीवार पर अहोई माता का चित्र बनाएं और साथ ही स्याहू और उसके सात संतानों का चित्र बनावें। उनके सामने अनाज, मुख्य रूप से चावल ढेरी की कटोरी, मूली, सिंघाड़े रखते हैं और सुबह दिया जगकर कहानी कही जाती है। कहानी कहते समय जो चावल हाथ में लिए जाते हैं उन्हें साड़ी या सूट के दुपट्टे में बांध लेते हैं। सुबह पूजा करते समय जिगर लोटे में पानी और उसके ऊपर करवे में पानी रखते हैं। यह करवा करवा चौथ में इस्तेमाल हुआ होना चाहिए। इस करवे का पानी दिवाली के दिन पूरे घर में छिड़का जाता है। संध्या काल में इन चित्रों की पूजा करें। पके खाने में 14 पूरी और 8 पूलों का भोग अहोई माता को लगाया जाता है। उस दिन बयाना निकाला जाता है। बायने में 14 पूरी या मठरी या काजू होते हैं। लोटे का पानी शाम को चावल के साथ तारों को अर्घ किया जाता है। शाम को माता के सामने दिया जलाते हैं और पूजा का सारा सामान, पूरी, मूली, सिंघाड़े, पुए, चावल और पका खाना पंडित जी या घर के बड़ों को दिया जाता है। अहोई माता का कैलेंडर दिवाली तक लगा रहना चाहिए। अहोई पूजा में एक अन्य विधान यह भी है कि चांदी की अहोई बनाई जाती है जिसे स्याहू कहते हैं। इस स्याहू की पूजा रोली, अक्षत, दूध व भात से की जाती है। पूजा चाहे आप जिस विधि से करें लेकिन दोनों में ही पूजा के लिए एक कलश में जल भरकर रख लें। पूजा के बाद अहोई माता की कथा सुनें और सुनाएं। पूजा के पश्चात सासू माँ के पैर छुएं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके पश्चात ही व्रती अन्न जल कुछ भी ग्रहण करें। तो यह थी व्रत की विधि और व्रत से जुड़े कथा। शुभदाता मैया तू ही है शुभदाता।
रसोई कर ले, मन नहीं घबराता। जय आ।